हेलो दोस्तों, मैं गोपाल यादव स्वागत करता हूं गुरु आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज स्वागत हो रहा है आपका। 2 दिन बाद उसकी एक वजह थी गुरु, गाड़ी खाली करके मैं चला गया था घर। तो 2 दिन घर पे कर रहा था रेस्ट, इसलिए वीडियो नहीं बना पाया। फिलहाल तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं थी, तो आज मतलब आया था कल रात को गाड़ी पे। आज मैं अभी इस समय MP में हूँ। मैंने आपसे एक वादा किया था कि भैया खर्चे वाला वीडियो मैं जरूर और जरूर बना के दूंगा, तो उसी के बारे में कुछ बताऊंगा इसमें। और छोटा सा वीडियो उसमें मैं बताऊंगा कि कितना भाड़ा था मेरा, मैं कहाँ से कहाँ गया था और उसमें कितना खर्चा मेरा हुआ, गाड़ी को कितना प्रॉफिट हुआ, कितने दिन मतलब लगे और कितने दिन का ट्रिप था गुरु, जिसमें कितने दिन गाड़ी खड़ी रही। तो ये सब सुनना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आप मोटरबाजी से रिलेटेड हैं उसमें आपको, या जो न्यू मेरे भाई मेरे को कमेंट करते हैं कि भैया ये गाड़ी लेनी है, 14 टायर लेना है, 12 टायर लेना है, तो उनको तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को कंटिन्यू देखना है। तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा कि भैया मोटरबाजी का रूटीन जो है अभी चल क्या रहा है। तो ठीक है दोस्तों, बिना कुछ लपेटे झपेटे पहले तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ध्यान से देखिएगा। तो गुरु, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि भैया मेरा अप डाउन का जो भाड़ा था वो था 1,70,000 रुपये। मतलब बरेली से नांदेड़ में गया, नांदेड़ से फिर जो है वापस आया अपने यहाँ, टोटल कुल मिला के 1,70,000 रुपये गाड़ी का अप डाउन हुआ। उसमें से गुरु देखिए, मैं एक ड्राइवर हूँ तो मैं नहीं मतलब बताना चाहता एक एक खर्चे को कि भैया वहाँ 100 गए या वहाँ 50 गए या 500 गए, ये सब बताना ठीक नहीं होता, क्योंकि बहुत से मेरे ड्राइवर भाई हैं जिनकी दाल रोटी चल रही है और मेरी भी दाल रोटी चल रही है गुरु, तो मैं वो सब बता के ठीक नहीं है। लेकिन मैं मोटा माटी आपको बता देता हूँ कि ये मेरा 16 दिन का ट्रिप था गुरु। 16 दिन के ट्रिप में मेरी गाड़ी 3 दिन उधर खड़ी रही थी भरने के लिए, और 1 दिन ट्रांसपोर्ट पे खड़ी रही थी, 4 दिन उधर खड़ी रही थी, और इधर आके मैं सोमवार के लिए मतलब शनिवार को मैंने गाड़ी खाली की। उसके बाद शनिवार मैं खड़ा रहा, फिर इतवार खड़ा रहा, फिर सोमवार को मैं खड़ा रहा। सोमवार के बाद गुरु रोड खुले तो मैं निकला, उसके बाद मैं घर पहुंचा। और अभी हमारे यहाँ चल रहा है भैया सावन, कांवरिया जोरों दोरों से गंगा पास में है, तो बहुत ज़्यादा मतलब रोड क्लोज कर देते हैं गुरु वहाँ शुक्रवार को ही शाम में, फिर सोमवार की शाम में खोलते हैं। तो ये 16 दिन के ट्रिप में गुरु 6-7 दिन गाड़ी लगभग खड़ी रही, और 1,70,000 के इस भाड़े में मेरे मोटर मालिक को मैं इधर उधर की बातें बताऊं आपको, ये वो वीडियो को ज़्यादा लंबा तानूं ये मेरी आदत है नहीं। जितनी बातें मुख्य हैं उसमें वीडियो जितना लंबा हो जाए तो हो जाए, उसकी कोई गुरु टेंशन नहीं है। तो भैया मेरे मालिक को ओनली और ओनली 30,000 रुपये बचे हैं 16 दिन में। तो ये कुछ मेरी नज़र में आ ही नहीं रहे हैं, ना मेरे मालिक की नज़र में आ रहे हैं, क्योंकि भैया 16 दिन के ट्रिप होगा और 30,000 रुपये 12 टायर गाड़ी को बचेंगे, तो ये तो कुछ भी कोई बचत ही नहीं है। क्योंकि गुरु और हमारा भी ये मानना है और उनका भी ये मानना है कि भैया अभी सावन का टाइम चल रहा है, थोड़ी दिक्कत चल रही है, गाड़ी खड़ी हो जा रही है, कभी बरसात हो जा रही है, और महाराष्ट्र में लगातार बरसात हो गई थी गुरु, तो थोड़ी दिक्कत आ गई मान में। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं चलता, ये बात भी मैं आपको समझा देता हूँ। तो ये 30,000 रुपये से ही तसल्ली की गई भैया, और उसमें से हमारा ट्रिप, हमारी जो तनख्वाह बनती है वो सब खर्चा बिर्चा सब कुछ निकाल के उनको 30,000 रुपये 16 दिन में बचे। और मतलब हमारा ट्रिप भी बहुत ही ज़्यादा लेट लगा, हमारा ट्रिप ज़्यादा से ज़्यादा 11 दिन में लग जाना चाहिए था, वो 5 दिन हमारे ख़राब हो गए उसमें, हमको ये पक्का पता है। 10 से 11 दिन में आपका ट्रिप पूरा हो जाना चाहिए, महाराष्ट्र का नांदेड़, लातूर, बीड, जालना, इधर कहीं भी आप जाते हैं तो वो ट्रिप 10 दिन से ज़्यादा हमें नहीं होना चाहिए, नहीं तो उसमें। और ये जो 30,000 रुपये बचे हैं गुरु, इसमें बचने थे गाड़ी को 40,000 रुपये। तो भैया जब गाड़ी खड़ी हो जाती है तो खर्चा भी एक्स्ट्रा हो जाता है, 400-500 रुपये हमारा खाने का खर्चा रोज का बढ़ जाता है, तो 6×5=30,000 रुपये, वो सॉरी 30,000 क्यों यार, 3,000 रुपये तो यही बढ़ गई, बाकी और भी खर्चे बहुत सारे हो जाते हैं, और खड़ी गाड़ी पर तो गुरु खर्चा होना ही होना होता है। तो भैया अब आप लोग पूछेंगे कि तेल कितना खाया, तो मेरी गाड़ी चली गुरु 3,000 से ऊपर, मेरी 50-60 किलोमीटर गाड़ी चल गई, जिसमें मेरी गाड़ी ने 900 लीटर तेल खाया, मतलब अप डाउन में 900 लीटर तेल मेरी गाड़ी ने खाया। और वो वाली कापी मेरे पास है नहीं जिसमें देख देख के मैं सब कुछ सही सही बता देता, कापी गुरु जल्दी में मैं आया शाम को, गाड़ी भरी हुई रेडी मिली मुझे, एक भैया भर के लेके आए थे, तो मैं कापी वहीं पे मेरी धोखे से रह गई और मैं निकल आया सीधे गाड़ी पे तो लेके चला आया। सो दोस्तों, यही था वीडियो खर्चे वाला, और भैया 30,000 रुपये बचे, 1,70,000 का अप डाउन किया गाड़ी ने, और खर्चे भी बहुत सारे हैं महाराष्ट्र लाइन पे, तो बॉर्डर भी हैं, और आर्डर बॉर्डर तो जिधर से मैं गया था उधर कोई विशेष नहीं है, बॉर्डर का खर्चा इधर गुरु सैंदवा पिलासनेर हो गया, पर इधर इस साइड आप महाराष्ट्र में आते हैं तो ज़्यादा खर्चा होता है, वो साइड को इतना खर्चा बॉर्डरों का है नहीं। अब आप पूछेंगे कितना लिया, वो मैं भैया आपको बता नहीं सकता, ये मेरी मजबूरी है, क्योंकि मेरे
भाई बंधु बहुत सारे हैं, मैं भी हूँ और भी मेरे भाई ड्राइवर हैं, कोई 100 डालता, कोई 200, कोई 500, कोई 700, ऐसे करके। तो ये सब बताना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। फिलहाल भैया 30,000 रुपये मेरे मालिक को बचे, बाकी सब खर्चा हो गया जितना भी था, रोटी खर्चा, हमारा ट्रिप, हमारी तनख्वाह जितने भी बनती है 16 दिन की वो, और मतलब जो भी है तेल ताई, 900 लीटर जो तेल मैंने आपको बताया वो गाड़ी मेरी तेल खा गई। तो दोस्तों ये तो था खर्चे का वीडियो, बाकी अब अपने मतलब ब्लॉगिंग कंटिन्यू होगी और हो सकता है कि गाड़ी पे परमानेंट में लगभग 1 महीने रहूं, अभी घर जाना मेरा नहीं हो पाए क्योंकि गाड़ी भी थोड़ी दिक्कत में ही आ रही है यार। गुरु 30,000 रुपये बचा के देगी 16 16 दिन में गाड़ी, तो प्रॉब्लम तो खड़ी होनी होनी है। कम से कम 12 18 गाड़ी को 1 लाख से ऊपर तो देना ही देना चाहिए पैसे, वो सब अभी हो नहीं पा रहा, सावन का टाइम है। तो गुरु ये दिन वो दिन नहीं रहे तो ये दिन भी नहीं रहेंगे, और कभी मद्दा कभी तेजी ये तो चलता ही रहता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये खर्चे वाला वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और भैया आंखों में जो प्रॉब्लम चल रही है ना, आंखों की वो आई फ्लू बोलते हैं क्या, वो भी थोड़ी मुझे हो गई, तो आंखों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है। और कोई मेरे से गलती हुई हो इस वीडियो में तो अपना छोटा भाई समझ के माफ़ कर दें। तो ठीक है दोस्तों, आज के इस छोटे से वीडियो को यहीं एंड करते हैं, जल्दी मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे भाइयों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, जय हिंद, वंदे मातरम। और आप किस टॉपिक पर किस तरीके का वीडियो चाहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दें, और जो कुछ पूछना हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर भेजें। आपको तुरंत की तुरंत मैं जिस समय मोबाइल दे हूँ उस समय रिप्लाई दे दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, बाय।